वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के 2022 के फुल स्क्वाड के बारे में। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने आईपीएल 2022 का क्वालिफायर 2 खेला था और खेले हुए 16 मैचेस में से 9 मैचेस में जीते थे। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के उस स्क्वाड में रहने वाले बैट्समैन थे कैप्टन फैफ डुप्लेसिस, ये एक राइट हैंडेड ओपनिंग बैट्समैन है और टीम के हाईएस्ट रन स्कोरर थे। विराट कोहली, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और टीम के सेकंड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। रजत पट्टीदार, ये एक राइट हैंडेड टॉप ऑर्डर बैट्समैन है और टीम के थर्ड हाईएस्ट रन स्कोरर थे। वेस्ट इंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड, ये एक लेफ्ट हैंडेड और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है। न्यूजीलैंड के फिन एलन, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो की ओपनिंग करते हैं। आईपीएल 2022 के आरसीबी के स्क्वाड में विकेट कीपर्स थे दिनेश कार्तिक, ये एक राइट हैंडेड बैट्समैन है जो कि लोअर मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। अनुज रावत, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और इन्होंने टीम के लिए ओपनिंग किया था। लवनीत सिसोदिया, ये एक लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है जो कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। आरसीबी के पास रहने वाले ऑलराउंडर्स की बात करें तो वो थे ऑस्ट्रेलियन बैटिंग ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है। श्रीलंकन बॉलिंग ऑलराउंडर वनिंदु हसरंगा, ये एक राइट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लेग ब्रेक बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर शाहबाज अहमद, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर महिपाल लोमरोर, ये एक लेफ्ट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। बैटिंग ऑलराउंडर सुयेश प्रभु देसाई, ये एक राइट हैंडेड मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और पार्ट टाइमर राइट आर्म मीडियम बॉलर है। इंग्लैंड के बॉलिंग ऑलराउंडर डेविड उइली, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। बॉलिंग ऑलराउंडर अनिश्वर गौतम, ये एक लेफ्ट हैंडेड लोअर मिडिल ऑर्डर बैट्समैन और स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम में रहने वाले स्पिनर्स की बात करें तो वो थे कर्ण शर्मा, जो कि एक लेग ब्रेक गुगली बॉलर है, इनको खेलने का मौका नहीं मिला था। आखिरकार आरसीबी के पास रहने वाले तेज गेंदबाजों की बात करें तो वो थे जॉश हेजलवुड, ये एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है और टीम के सेकंड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। हर्षल पटेल, ये एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है और टीम के थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर थे। इंडियन पेस बॉलर मोहम्मद सिराज, जो कि एक राइट आर्म मीडियम फास्ट बॉलर है। फास्ट बॉलर आकाशदीप, जो कि एक राइट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। मीडियम पेस बॉलर सिद्धार्थ कॉल, जो कि एक राइट आर्म मीडियम बॉलर है। ऑस्ट्रेलियन पेसर जेसन बेहरेंडॉफ, ये एक लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलर है। और आखिरकार मीडियम पेसर चामा मिलिंद, जो कि एक लेफ्ट आर्म मीडियम बॉलर है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो फिर प्लीज इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, आपके हिसाब से बेस्ट प्लेइंग 11 कमेंट्स कीजिए और हो सके तो प्लीज इस वीडियो को एक शेयर कर दीजिए। और आखिरकार प्लीज हमारे चैनल क्रिकेट लवर को सब्सक्राइब कीजिए।